यूटीआई का अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यह एक प्रकार का मूत्र मार्ग में होने वाला इन्फेक्शन होता है। आइए हमारी नेचुरल चाइल्ड बर्थ विशेषज्ञ नूतन पंडित से जानें कि क्या है गर्भावस्था में यूटीआई और इसका गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे यूटीआई की या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये कई औरतों को होता है, इसको कहते हैं यूटीआई। और ये जब शुरू होता है तो माँ को थोड़ी थोड़ी पीठ दर्द होती है और उसको लगता है कि मैं बार बार यूरिन पास करने जा रही हूँ, अभी तो मैं सुसु कर गई थी, अब मैं दोबारा जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। बार बार जाने की निशानी है कि यूटीआई होने वाला है, शुरू हो रहा है। उसी टाइम अगर खूब सारा पानी पिए माँ तो शायद ये रुक भी जाए, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा शरीर के अंदर से। पर अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे माँ की पीठ दर्द भी बढ़ेगी और माँ बार बार टॉयलेट जाएगी, पर ज़्यादा ज़्यादा यूरिन नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा और कभी कभी तो जब आएगा तो बहुत पीले रंग का यूरिन होगा। कभी कभी थोड़ा ब्लड भी हो सकता है या खून भी निकल सकता है यूरिन में। ये सब निशानी है यूटीआई की या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। और कभी कभी एक और लक्षण है इसके कि माँ को बहुत जैसे गाढ़ा म्यूकस डिस्चार्ज होता है, उसकी पैंटी में म्यूकस बैठता है, उसको नज़र आता है और उसके साथ उसको खुजली होती है और जलन होती है। और ये जो गाढ़ा म्यूकस होता है ये कभी पीले रंग का हो सकता है, कभी हरे रंग का हो सकता है, कभी सफ़ेद भी हो सकता है। और ये सारे लक्षण हैं यूटीआई के। यूटीआई इसीलिए होता है आमतौर पे औरतों को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो कुदरत से जो औरत का शरीर है उसमें जो स्टूल पास करने की जगह है, यूरिन की जगह है और वजाइना है जिस जहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है, बच्चा पैदा होता है, वो सब बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। तो जब माँ कभी टॉयलेट जाती है, स्टूल पास करती है, तो अपने आप को जब वो धोती है अपना हाथ, वो सोर थोड़ा आगे को ले आती है। जब वो आगे को ले आती है अपना हाथ, तो वो इन्फेक्शन भी कभी आगे को आ जाता है। और फिर वो इन्फेक्शन आगे आने के बाद फिर वो वजाइना के थ्रू और यूरेथ्रा के थ्रू ट्रैवल करता है। ये वजाइना और यूरेथ्रा क्या है ये हम थोड़ा अभी समझते हैं। ये है यूट्रस और ये है वजाइना, ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है एनस। तो ये है जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर में ये तीनों चीज़ें साथ साथ है। यहाँ से स्टूल आता है, ये वजाइना है, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है और ये है यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकलता है। तो जब हम स्टूल के बाद हाथ आगे को लाते हैं तो हम इन्फेक्शन यहाँ लाते हैं और फिर इन्फेक्शन इधर जा सकता है वजाइना के थ्रू और यूरेथ्रा के थ्रू। जब यूटीआई घर ले लेता है तो और कोई चारा नहीं है माँ को बजाय के एंटीबायोटिक्स खाने, वो डॉक्टर के जाएगी, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। पर जब वो महसूस करती है कि यूटीआई शुरू हो रहा है तो वो खूब सारा पानी पी सकती है। उसके अलावा एक आदत बना देनी चाहिए कि जैसे माँ नहाने के समय या स्टूल पास करने के बाद साबुन लेके अपना जो जहाँ से स्टूल निकलता है उस एरिया को साबुन और पानी से धोए और अपना हाथ आगे को ना लाए। इससे उसको काफ़ी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं होने के लिए। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।